खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जीत पर अड़ तो सही। आज इति क्लासेज यंग गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की क्लास भारतीय अर्थव्यवस्था से रहेगी और चैप्टर रहेगा धन, बैंक और पूंजी बाजार। याद रखिएगा ये क्लास असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस पेपर के लिए महत्वपूर्ण तो ही है, साथ ही इस चैप्टर से अन्य वनडे एग्जामिनेशन से भी प्रश्न आते हैं, याद रखिएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आरबीआई के विषय में, महत्वपूर्ण बैंकों के विषय में, प्रमुख खातों के विषय में, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं क्लास आज का। जो है पहला पॉइंट है, भारत में कागजी मुद्रा धन के रूप में 1862 में शुरू किया गया, याद रखिएगा। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम 50 पैसे से लेकर अधिकतम 1000 रुपए के सिक्के जारी कर सकती है, याद रखिएगा। आरबीआई द्वारा सभी नोट 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 2000 रुपए की छपाई का संचालन किया जाता है। वर्तमान में 2000 रुपए, जानबूझ के 2000 लिखा गया है तो बंद हो चुका है, ये एग्जाम में आ सकता है कि वर्तमान में 2000 रुपए नोट को सितंबर 2023 में, याद रखिएगा, सितंबर 2023 के बाद बंद कर दिया जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, 25 पैसे को 1 जुलाई 2011 को समाप्त किया गया और 50 पैसे की वैधता को सीमित कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में सिक्के का ढलाई केंद्र सरकार करती है और जो है और सिक्कों का परिचालन जो है आरबीआई करती है, ठीक है, याद रखिएगा। भारत में सिक्के की ढलाई केंद्र सरकार करती है और उसका परिचालन संचालन काम कौन करता है, आरबीआई करता है। अक्सर आप देखे होंगे कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार क्या करता है, केंद्र सरकार जो है किसी खास मौके पर सिक्के जारी कर देता है, ठीक है, जारी कर देगा, इतने रुपए के सिक्के उसने इस मौके पर जारी किया, लेकिन कब चलाना है, कैसे चलाना है, इसका जिम्मेदारी किसके पास होता है, आरबीआई के पास होता है, ठीक है। इसीलिए कुछ सिक्के अनाउंस होने के बाद भी हम लोग को जल्दी दिखाई नहीं देते। नेक्स्ट देखेंगे आप, आरबीआई अधिनियम 1935 के अंतर्गत नोट छापने व जारी करने का कार्य करती है। भारत के स्वतंत्रता के बाद भारतीय मुद्राओं पर ब्रिटेन के महाराज जॉर्ज सिस्टम के चित्र की जगह भारत का राज चिन्ह सारनाथ का अशोक के सिंह स्तंभ का चित्र आना शुरू हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, आरबीआई द्वारा 2 रुपए से लेकर 10000 रुपए तक मौद्रिक नोट जारी किया जा सकता है। सिंपल प्रश्न है इसमें, 1 रुपए के नोट को भारत सरकार जारी करता है और जिस पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। भारत के वाणिज्यिक बैंकों की ग्राहक सेवा सुधार के लिए गोपुरिया कमेटी का गठन हुआ था। भारत में बैंक का शुरुआत 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान से होता है, परंतु 1894 में भारतीयों का प्रथम भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक का शुरुआत हुआ। नेक्स्ट है, 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ मुंबई, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर इंपीरियल बैंक का निर्माण 1921 में किया। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है ये पॉइंट, याद रखिएगा, फिर से देख लीजिएगा, सीधे आया था। इंपीरियल बैंक का जो है कब शुरुआत हुआ था, 1921 में इंपीरियल बैंक निर्माण किससे हुआ था, इन बैंकों को मिला के। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में वाणिज्यिक बैंकों का संचालन भारतीय बैंक अधिनियम 1949 के अंतर्गत किया जाता है। नोट कर लीजिएगा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया। वर्तमान में भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष MB जो है राव हैं। ये सब पॉइंट तो अभी बने हैं, चेंज नहीं होंगे फिलहाल, ये करंट वाले जो भी होंगे कहीं भी आप एग्जाम से पहले अपडेट हो लीजिएगा एक बार, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के विषय में देखा जाए, कभी कभी एग्जाम में इससे प्रश्न आ जाता है कि आरबीआई से संबंधित कौन सा कथन गलत है, असत्य है, या निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है आरबीआई के विषय में, ऐसे प्रश्न भी आते हैं, डायरेक्ट आ भी जाते हैं। तो देखा जाए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के विषय में, सबसे पहले आप जानिएगा आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है, याद रखिएगा। आरबीआई के राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ, जिसका मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है, दोनों में अंतर है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को।
इसकी स्थापना यंग हिल्टन समिति, ये भी इंपॉर्टेंट है, यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर हुआ। प्रथम आरबीआई के गवर्नर उस्बार्न स्मिथ थे। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रथम भारतीय आरबीआई के गवर्नर सीटी देशमुख थे। वर्तमान आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं और 25वें क्रम पे है, याद रखिएगा, ये भी एग्जाम से पहले अपडेट होकर जाइएगा, अभी फिलहाल यही है शक्तिकांत दास जी। नेक्स्ट है, आरबीआई जो भारत का केंद्रीय बैंक है, इसकी शाखा दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई में है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, ये हमारी जो है टीम द्वारा टेस्ट पेपर तैयार किया गया है, आप चाहे तो इसे ले सकते हैं। इस टेस्ट के विषय में कुछ बताना चाहूंगा आपको, यह इस टेस्ट की वैलिडिटी यूपीएचसी 51 विज्ञापन संख्या 51 तक रहेगी। इसमें पूरा सिलेबस वाइज समान अध्ययन के इसमें सभी यूनिट के टेस्ट दिए गए हैं। कैसे दिए गए देखिएगा, इसमें पहले आपको उसी चैप्टर वाइज ई चैप्टर पे ई पीडीएफ बना है, ई पीडीएफ पे वीडियो बना है, उसी वीडियो पे आपको टेस्ट मिलेगा, तब जाके आपको कोई चीज ठीक से याद भी हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक ही चीज को आप देख रहे होंगे, तीन बार आप पढ़ रहे हैं, लास्ट बार फाइनल टेस्ट देंगे, तब जाके आपको जीएस पेपर में पूर्णता आएगा, याद रखिएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में जीएस पेपर ही कुंजी है, यही आपकी जो है मेरिट को घटाए बढ़ाएगा, सिलेक्शन ठीक से कराएगा, ठीक है। इस टेस्ट में क्या मिलेगा आपको, ई पीडीएफ नोट्स मिलेगा हिंदी इंग्लिश में, आपको 2014 से लेकर अब तक के सॉलिड पेपर मिलेंगे। रेगुलर प्रैक्टिस सेट एग्जाम तक आपको, जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक अपडेट होता है, अपडेट होता रहेगा। ऑर्गेनाइज वीडियो क्लासेस इसमें मिलेंगे, याद रखिएगा सभी क्लासेस सिलेबस के अनुसार सीक्वेंस में मिलेंगे और आपको ऐप के अंदर समझ में भी आएंगे। यूट्यूब पे सभी क्लासेस नहीं आते, कुछ आते भी हैं तो बाद में अनलिस्टेड कर दिए जाते हैं। फिर सीरीज के रूप में आपको सैकड़ों की संख्या में मॉडल पेपर इसमें मिलेगा, सिलेबस वाइज टेस्ट और यूनिट वाइज टेस्ट मिलेगा। इसका रेट 1999 है, लेकिन अभी ये 1299 में दिया जाता है, याद रखिएगा। इसके लिए आप जो है प्ले, आप देखेंगे मैसेज बॉक्स में, इसमें आपको इसका लिंक दिया गया है, वहां से आप डायरेक्ट ले सकते हैं, या ये जो नंबर आप देख सकते हैं इस पर मैसेज करके फॉर टेस्ट लिखेंगे तो आपको टीम जो है इसका लिंक भेज देगी, ठीक है। और याद रखिएगा, अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारें, ताकि वो गलतियां एग्जाम सेंटर में आपकी ताकत बनकर आपकी जीत दिलाए, ठीक है। हमारी टीम द्वारा ये चार टेस्ट पेपर बुक निकाला गया है, चारों में लगभग 80 मॉडल पेपर है, याद रखिएगा। इसे आप अमेजन के माध्यम से मंगा सकते हैं, डिलीवरी चार्ज कोई फ्री है, इसमें कोई भी आपको मंगाने का चार्ज नहीं देना है। ये ओमार सीट बुक आपको फ्री में है, मात्र 499 रुपये में ये चारों बुक आप अपने घर तक मंगा सकते हैं। बुक यदि मैं दिखाना चाहूँ तो ये बुक है, और इसमें बहुत ही चुनिंदा प्रश्न दिए गए हैं। मेरे हिसाब से किसी भी एग्जाम देने से पहले जीएस में जिसमें पूछा जाता है, इस चारों के प्रैक्टिस सेट को दो तीन बार हल करने के बाद ही आप देंगे, आप देखेंगे आपके स्कोर जरूर बढ़ेंगे इसमें से। और ये लास्ट में आपको इसमें वो मार्कशीट आप चाहे तो इसको लेके भर सकते हैं। आइए देखते हैं आगे क्लास में, जो लोग हमारी टीम से जुड़ना चाहते हैं, ये व्हाट्सएप ग्रुप है, इससे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, सभी वीडियो के लिंक इस पर दे दिए जाते हैं। आगे देखते हैं आरबीआई के कार्य, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काम क्या है। आरबीआई का नोटों का संचालन करता है, मुख्य रूप से याद रखिएगा, केंद्र सरकार सिक्का बनाने का कारखाना को टकसाल कहते हैं, यानी केंद्र सरकार सिक्का बनाने का कारखाना को अपने अधिकार क्षेत्र में रखता है, परंतु सिक्के का संचालन आरबीआई के द्वारा होता है। सरकार के बैंकों के रूप में आरबीआई कार्य करती है। आरबीआई के खजाने में 200 करोड़ रुपए रखा जाता है, जिसमें 115 करोड़ के 24 कैरेट के सोने के बिस्कुट और 85 करोड़ का नोट रखता है। बैंकों के बैंक के रूप में आरबीआई होता है, जिसमें जनता का खाता नहीं खुलता। पूछा जाता है वह बैंक जिसमें जनता का खाता नहीं खुलता, क्या ऑप्शन लगाएंगे आप, जो है आरबीआई, याद रखिएगा। और यह बैंकों का बैंक के रूप में काम करता है, जितने बैंक होते हैं उनको ये अलग अलग समय पर ब्याज देता है, पैसा देता है। अब यहाँ देखेंगे बैंक दर, बैंक दर की चर्चा करेंगे तो क्या, वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देती है, ठीक है। रेपो दर की, रेपो दर क्या होता है, रेपो दर एक प्रकार का अनुबंध है, जिसके अंतर्गत आरबीआई और वाणिज्यिक बैंकों के मध्य एक शर्त पर सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय होता है कि एक निश्चित समय के बाद वापस कर दिया जाएगा, इसे ही रेपो दर कहा जाता है। रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से वसूली जाने वाला एक ब्याज दर रेपो दर कहलाता है, ये भी परिभाषा आप देख सकते हैं। और जो है रेपो रेट हमेशा रिवर्स रेपो रेट से अधिक होता है, ठीक है। तो क्या सभी जिलों में आरबीआई की शाखा है, सभी जिलों में नहीं है, तो जिस जिलों में आरबीआई की शाखा नहीं है, तीन के रूप में एसबीआई जो है कंट्रोलिंग करती है, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करती है। आइए अब देखा जाए प्रमुख बैंकों के विषय में, जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछेगा, क्या पूछेगा बैंक के विषय में, कि बैंक की स्थापना किस वर्ष हुआ था,
या इसका मुख्यालय कहाँ है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, या इस बैंक के क्या कार्य है, या इस बैंक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये भी प्रश्न आते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप देखेंगे। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के विषय में देखा जाए, भारत के इंपीरियल बैंक का नाम भारतीय स्टेट बैंक पड़ा, ठीक है, बताए थे आपको 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना हुआ था। भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ, जिसका मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है। वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा, देख लीजिएगा, अपडेट हो लीजिएगा एग्जाम तक इसको। विदेशों में सबसे अधिक भारतीय बैंक की शाखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। एग्जाम में आ सकता है कि किस भारतीय बैंक की शाखा विदेश में सबसे अधिक है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या SBI की शाखा विदेशों में सबसे अधिक है, ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम के वर्तमान अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती हैं। LIC की स्थापना 1956 में हुआ, इसका मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है। राष्ट्रीय आवास बैंक के विषय में देखा जाए, NHB, राष्ट्रीय आवास बैंक रिजर्व बैंक के सहायक संस्था के रूप में जुलाई 1988 को स्थापना हुआ इसका। राष्ट्रीय आवास बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय आवास बैंक का मुख्य कार्य आवास संबंधित वित्तीय कार्य करना है। आवास मामलों में यह भारत का सर्वोच्च बैंक है। नेक्स्ट आप देखेंगे लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI के विषय में देखा जाए, लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना 1989 में, लेकिन 2 अप्रैल 1990 से कार्य प्रारंभ करना शुरू किया, ठीक है। लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना 1989 में, लेकिन 2 अप्रैल 1990 से कार्य करना शुरू किया। SIDBI देश में अति लघु तथा मझोले उद्योग आदि को वित्त उपलब्ध कराता है। SIDBI मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में, ये देखिएगा इंपॉर्टेंट है, आ चुका है कि पूछेगा SIDBI का मुख्यालय कहाँ है, तो लखनऊ में उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा। या किस लिए इसकी स्थापना हुआ था, तो अति लघु और मझोले उद्योग आदि को वित्त उपलब्ध कराने के लिए इसकी स्थापना हुआ था। स्थापना कब हुआ था, 1989 में हुआ था, लेकिन 2 अप्रैल 1990 से कार्य करना प्रारंभ किया। भारतीय यूनिट ट्रस्ट या यूटीआई की स्थापना 1964 में तथा इसका मुख्यालय मुंबई में है। भारत में बैंकों का नियंत्रण RBI करती है। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण या कह सकते हैं IRDA या IRDA भी इसे कहा जाता है, ठीक है। भारत में बीमा कंपनियों का नियंत्रण बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण करती है। नेक्स्ट है इसमें कि IRDA की स्थापना 1999 में एवं इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। जैसे अक्सर एग्जाम में पूछता है कि बीमा कंपनियों को भारत में नियंत्रण कौन करता है, तो यही IRDA करती है, ठीक है। जैसे पूछेगा शेयर मार्केट को कौन करता है, तो शेयर मार्केट को SEBI करती है, ठीक है। संचार कंपनियों को तो ट्राई करती है, आती है। बैंकों को तो RBI करती है, ये आप याद रखिएगा, इसे पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड या SEBI या SEBI, ठीक है। भारत में शेयर बाजारों का नियंत्रण भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड या SEBI करती है, ठीक है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड या SEBI का मुख्यालय जो है मुंबई में है। आपको बताना है SEBI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइए। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हो, कमेंट बॉक्स में बताना है कि SEBI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, आ सकता है उनके विषय में। और वीडियो आप लगातार देखते हैं, अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करना चाहिए, ताकि मेरी टीम का मोटिवेशन बने। जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो आपको ऐसे मिलता रहे और वीडियो को आप शेयर भी करिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसमें भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण या TRAI, याद रखिएगा। भारत में संचार कंपनियों का नियंत्रण भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण करती है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण या TRAI की स्थापना 1997 में हुआ। TRAI का मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक NABARD, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इससे निश्चित ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। NABARD के विषय में अक्सर पूछे जाते हैं कि NABARD के जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वित्त कौन सहायता करता है, तो NABARD करता है। NABARD के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, प्रथम कौन थे, ये पूछा जाता है। आइए देखा जाए इसके विषय में, देखिएगा राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक NABARD की स्थापना 12 जुलाई 1982 को, इम्पोर्टेंट है। शिवरामन समिति के
सिफारिश पर किया गया। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 12 जुलाई 1982 को श्री रामन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। नाबार्ड का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए ऋण प्रदान करना है। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, यहाँ हम देखेंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को नरसिंहम वर्किंग ग्रुप के सिफारिश पर हुआ। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का उद्देश्य बैंकिंग सेवा को ग्रामीण जनता के घरों तक पहुंचाना है। भारत का प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथमा बैंक मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का है। वर्तमान में कुल लगभग 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। बेड बैंक किसे कहते हैं? बैंकों में एनपीए अकाउंट फंसा हुआ कर्ज को खरीदकर जो बैंक एनपीए या फंसा हुआ कर्ज अकाउंट से वसूली कर ले, ऐसे बैंक को बेड बैंक कहते हैं। ठीक है, माइक्रो फाइनेंस किसे कहते हैं? आप लोग समझ गए हैं बेड बैंक क्या होता है। जैसे कई बैंक ऐसे होते हैं कि उनसे लोग लोन लिए रहते हैं और पैसा नहीं जमा करते हैं। और एनपीए अकाउंट किसे कहते हैं? कोई अगर लोन, कोई व्यक्ति लोन लिया हो और लगातार 3 महीने तक अगर वो खाते में पैसा नहीं जमा करता है, उसके खाते को एनपीए कर दिया जाता है। तो अब वो पैसा बैंक फंस जाता है, तो बार बार बैंक वसूली अपने हिसाब से करता है और कुछ महीनों सालों बाद क्या करता है, उस अकाउंट को जो है एक संस्था को दे देता है, उसी को, उस जो है उसको जो है बेड बैंक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। वो क्या करेगा? अब मान लीजिए कोई लोन है फंसा होगा, उसे सेटलमेंट करेगा कि भाई ठीक है इतना है, इतना ही तुम मुझे दे दो, इतना ही तुम्हारा सेटलमेंट करा देते हैं, जैसे तैसे उसको निपट लेता है। ठीक है, माइक्रो फाइनेंस देखेंगे। आप जानते होंगे, आप मैक्सिमम ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये माइक्रो फाइनेंस पहुंच गया है। माइक्रो फाइनेंस के अंतर्गत छोटी राशि से जनता को ऋण दिया जाता है। अब बैंकों के प्रकार देखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, आता है बैंकों के प्रकार। औद्योगिक बैंक किसे कहेंगे? भारत के उद्योग धंधों को वित्तीय सहायता हेतु ऋण प्रदान करने का कार्य औद्योगिक बैंक करती है, जिसे सिडबी आदि। वाणिज्यिक बैंक किसे कहते हैं? भारत की व्यापारिक तथा औद्योगिक आवश्यकता हेतु ऋण धन जमा निकासी आदि का कार्य वाणिज्यिक बैंक करती है, जैसे SBI, PNB, UBI, UOB आदि। नेक्स्ट आप देखेंगे, केंद्रीय बैंक क्या कहलाता है? भारत का सर्वोच्च बैंक है। केंद्रीय बैंक में जनता का लेन देन नहीं होता है, जैसे RBI। केंद्रीय बैंक का कार्य बैंक तथा बैंकिंग प्रणाली का विनिमय करना होता है, जैसे RBI। ठीक है, उसी को केंद्रीय बैंक, RBI को ही कहा जाता है। निवेश बैंक किसे कहेंगे? भारत का वह बैंक जो जनता की छोटी छोटी जमाओं को स्वीकार कर सरकार के निवेश हेतु बड़ी पूंजी का निर्माण करती है, उसे निवेश बैंक कहते हैं, जैसे LIC, GIC, UTI, म्यूचुअल फंड आदि। नेक्स्ट है, ये टेस्ट आप लोग चाहे तो ले सकते हैं, देख सकते हैं, 1299 का है ये बुक है, और ये टीम में जुड़ सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, डाकघर बचत बैंक। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी छोटी बचत को जो है प्राप्त करना है। डाकघर बचत बैंक छोटा वाणिज्यिक बैंक होता है जो डाकघर के नियंत्रण में कार्य करता है। शाखा बैंकिंग क्या होता है? वाणिज्यिक बैंकों का छोटी शाखा के माध्यम से कार्य करना शाखा बैंकिंग कहलाता है। नेक्स्ट है कोर बैंकिंग। देखा जाए कोर बैंकिंग क्या कहलाता है? वह बैंक जिसकी एक शाखा दूसरे शाखा के विवरण जमा निकासी के को आपसी नेटवर्क के माध्यम से संचालित कर सकते हैं, उसे कोर बैंकिंग कहते हैं। कोर बैंकिंग की सभी शाखाएं इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। नेट बैंकिंग देखा जाए, नेट बैंकिंग आप समझ रहे हैं मोबाइल बैंकिंग नेट बैंकिंग का दूसरा रूप होता है, अर्थात जब ग्राहक द्वारा लॉगिन पासवर्ड का प्रयोग करके बैंकिंग की जाती है तो उसे नेट बैंकिंग के नाम से जाना जाता है। लगभग ये चीज आप जानते ही होंगे। सार्वभौमिक यूनिवर्सल बैंकिंग क्या होता है? वह बैंक जिसमें वाणिज्यिक बैंक, विकास बैंक, बीमा बैंक के कार्यों का समन्वय होता है, उसे सार्वभौमिक बैंक कहा जाता है। वह बैंक जिसमें ये सभी सुविधाएं हैं, वाणिज्यिक बैंक का भी, विकास बैंक का भी, बीमा बैंक का भी सुविधा हो, लगभग अब मैक्सिमम बैंक जो है इस तरह की कार्य कर रहे हैं। प्रमुख खाता के विषय में देखा जाए, ये भी इम्पोर्टेंट है, कुछ खाता के विषय में आप जानते होंगे, देख लीजिएगा। कैश क्रेडिट खाता या CC खाता, ये पहले आप इसको जानेंगे। कैश क्रेडिट अकाउंट एक प्रकार का ऋण खाता होता है, जिसमें ग्राहक अपनी आवश्यकता के अनुसार नगद राशि निकालता व जमा करता है। बैंक द्वारा ग्राहक की ऋण राशि का एक सीमा निर्धारण करने के बाद ग्राहक उस राशि तक धन को निकासी व जमा कर सकता है। इस अकाउंट में ग्राहक जितना धन खाते से निकाला रहता है उतना ही राशि का ब्याज देना होता है, इसको समझ लीजिएगा। जैसे कोई दुकानदार है, उसका साल में एक या दो बार सीजन आता है,
अब वो क्या करेगा, बैंक से कहेगा कि मुझे 1 लाख का सीसी दे दीजिए, बैंक क्या करेगा उसको 1 लाख का कैश क्रेडिट खाता दे देगा। यानी जब उसका सीजन आएगा तो एक बैंक से पैसा निकालेगा, माल खरीद के लाएगा, दुकान में रख देगा और बेच बेच के क्या करेगा, बैंक को देता रहेगा, ठीक है। फिर आवश्यकता पड़ा तो बैंक से निकाल लिया, लेकिन कितना निकालेगा, 1 लाख के अंदर ही, यानी जितना पैसा वो निकाला रहेगा उतना का ही ब्याज, मान लीजिए 1 लाख निकाल लिया तो 1 लाख का ब्याज देना होगा, 1 लाख खाता उसका लिमिट है और 50,000 निकाला तो 50,000 का देना होगा, यानी जितना अगर उसके पास आवश्यकता है पैसे का, जितना उसकी लिमिट है उतना पैसा निकाल सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब सीजन जब नहीं है तो क्या होगा, उसका पैसा जो है बैंक में जमा कर दिया, और जब सीजन आया तो फिर वो निकाल लिया और उसे प्रॉफिट अपने पास रखा, बाकी पैसा बैंक में जमा कर दिया, ठीक है, उसे ही कैश क्रेडिट खाता के नाम से जाना जाता है। चालू खाता याद रखिएगा, इस पे यह व्यापारियों के लिए होता है, चालू खाता में जमा राशियों पर कोई ब्याज नहीं मिलता है, करंट अकाउंट होता है व्यापारियों के लिए मिलता है, इस पे व्यापारी अगर इस खाते में पैसा जमा करते हैं तो कोई उनको ब्याज नहीं मिलता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बचत खाता, ये सबका है, मैक्सिमम मतलब जितने लोग हैं बैंक में खाता खोलते हैं मैक्सिमम बचत खाता ही खोलते हैं, सेविंग अकाउंट इसे कहते हैं। जनता के लिए यह खाता बैंकों में खोली जाती है, जमा राशि पर बैंक ब्याज देती है, बचत खाता पर एक निश्चित राशि के बाद आयकर विभाग द्वारा आयकर लिया जाता है। जैसे एक आप सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट में आपको फिक्स होगा इतने लाख रुपए आप रखेंगे तो कोई बात नहीं, इसके लाख इससे अधिक ऊपर पैसा रखेंगे तो आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, या आपको इससे पूछा जा सकता है कि ये पैसा कहाँ से आया, ठीक है। नेक्स्ट है आवर्ती जमा खाता, आज ये जो RD होता है, जैसे इसमें आप हर महीने या पर डे कुछ पैसा जमा करेंगे और वह एजेंट आपके पास आएगा लेके चला जाएगा, इसी को RD खाता या आवर्ती जमा खाता कहते हैं। जनता द्वारा बैंक को एक मुफ्त राशि महीने पर, 3 महीने पर या 6 महीने पर या जिस खाते में जमा किया गया हो उसे आवर्ती जमा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। महीने पर, 3 महीने पर या कितनों दिन पर आप सेटलमेंट कर लेंगे, मैं इतने हर रोज दूंगा या इतने दिनों पर देंगे, उसे RD खाता कहा जाता है, ठीक है। जनता को मूलधन व ब्याज दोनों ऐसे खाते पर मिलता है, जैसे महीने का ही होता है लेकिन महीने के हिसाब से एक दिन का कितना हुआ, तो कुछ एजेंट क्या करते हैं कि जाके पर डे भी दुकान पर वसूल लेते हैं इस चीज़ को, ठीक है। मेरे कहने का मतलब सावधि जमा खाता जैसे FD, जैसे कोई अमाउंट आपके पास आया पैसा बैंक में आपने फिक्स कर दिया उसी को क्या बोलेंगे, जो है सावधि जमा खाता। जनता द्वारा जब कोई धनराशि एक निश्चित अवधि के लिए जिस खाते में जमा कराया जाता है उसे सावधि जमा खाता कहा जाता है। जनता को ऐसे खातों का मूलधन और ब्याज मिलता है। पूंजी बाजार या कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार कैपिटल मार्केट प्रतिभूतियों का बाजार है जहां कंपनियां और सरकार लंबे समय के लिए धन जुटा सकते हैं। यह वह बाजार है जहां पैसा 1 साल या इससे अधिक समय के लिए दिया जाता है। पूंजी बाजार में शेयर बाजार और बॉन्ड बाजार भी शामिल होता है, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा। जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, GDC प्रवक्ता एग्जाम के साथ LT ग्रेड, GIC, TGT, PGT आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी GS पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR सीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 97 95 96 2010 पर व्हाट्सएप में फार बुक लिख कर भेज सकते हैं, जिसमें